फुआरा चौक जिथे बाबा भीम राव अंबेडकर की मूर्ति हैगी चौंक है असं उतों लंघे जा रहे थे। कुछ समर्थक जड़े हैं आतिशबाजी करते हुए नज़र आए तो नचते टपते नज़र आए। जिहड़ी गल है बदलाव आया है, बदलाव इस चीज़ का भी आया है कि अज असी आतिशबाजियां कीतियां हैं, अज असी ढोल धमाके कीते हैं। वो इस गल ही है कि जेड़े बाबा साहब अंबेडकर जी दी जिन्हां ते उंगलां उठदियां सीगियां बेअदबी करान दे विच जिन्हां दा हत्थ सीगा, अज वह विकास पुरश दी राजपुरे तो जिहड़ी असी फेयरवेल पार्टी करी है ढोल धमाकियां नाल करी है ते पटाकियां नाल करी है, ता करके करी है कि वह इत्थों हुण खुशी खुशी तुरन, क्योंकि राजपुरा उन्हां नूं बिल्कुल नहीं चाहता, राजपुरा उन्हां नूं बिल्कुल अपनाना नहीं चाहता, उन्हां दे नेड़े लगना नहीं चाहता, ता करके उन्हां दी विदाई के लिए असी जिहड़ा पार्टी करी है। सो पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी वड्डे बहुमत दे नाल जिहड़ी है राज करेगी ते थोड़े दिन बाद भगवंत मान जिहड़े है मुख्यमंत्री दी शपथ लैणगे। राजपुरे तो मैडम नीना मित्तल वड्डे मार्जन नाल जीत के जिहड़ी है राजपुरा दी विधायक बने हैं। तो असी राजपुरा दे फुआरा चौक जिथे बाबा भीम राव अंबेडकर की मूर्ति हैगी चौंक है असी उतों लंघे जा रहे थे। कुछ समर्थक जिहड़े हैं आतिशबाजी करते हुए नज़र आए तो नचते टपते नज़र आए ढोल की थाप पर। तो आप गल कर लें सुखी जी साडे नाल मौजूद है, खुशी मना रहे हैं, गल कर लें कि आम आदमी पार्टी दे आन दी इन्होंने बड़ी खुशी मनाई है, आतिशबाजी की है ढोल धमाके दे नाल, गलबात कर लें। सुखी जी की गल, बड़ी खुशी हो रही है आम आदमी पार्टी आई है पंजाब दे विच बदलाव आएगा इस चीज़ को लैके अज जी तुम दिखाई दिता है खुशी मना रहे हो पटाके जला रहे हो बाबा भीम राव अंबेडकर की मूर्ति के कोल, की कहना चाहते हो? देखो संदीप जी, पहला तो सारे थोड़े स्रोतों को जय भीम जय वाल्मीकि। ये गल भी बिल्कुल बहुत खुशी वाली गल है क्योंकि भैन नीना मित्तल जी इतों जीते हैं, जेडे अपने अलग अलग राजनीतिक मंचों से बाबा साहब की बेअदबी का मसला चकते रहे हैं, तो वह अज पार्टी आई है केजरीवाल जी की जिहड़ी बाबा साहब अंबेडकर की गल करती है, भगवंत मान जी जिहड़े बाबा साहब अंबेडकर की गल करते हैं। बिल्कुल थोड़ी गल जायज है, साड़ी खुशी उदो भी है, मगर जिहड़ी असीं अज इस चौंक ते आए हैं पिछले ढाई साल से तुसी सानू इस चौंक ते रोंदे हुए देखिया, इस चौंक तो चीकते हुए देखिया, इस चौंक ते साड़ी तुसी अखां दे विच हंजू देखे हैं, काले झंडे नाल देखिया, काले झंडे नाल देखिया। तो अज सिर्फ जिहड़ी गल है बदलाव आया है, बदलाव इस चीज़ का भी आया है कि अज असी आतिशबाजियां कीतियां, अज असी ढोल धमाके कीते हैं। वो इस गल ही है कि जेड़े बाबा साहब अंबेडकर जी दी जिन्हां ते उंगलां उठदियां सीगियां बेअदबी करान दे विच जिन्हां दा हत्थ सीगा, अज वह विकास पुरश दी राजपुरे तो जिहड़ी असी फेयरवेल पार्टी करी है ढोल धमाकियां नाल करी है ते पटाकियां नाल करी है, ता करके करी है कि वह इत्थों हुण खुशी खुशी तुरन, क्योंकि राजपुरा उन्हां नूं बिल्कुल नहीं चाहता, राजपुरा उन्हां नूं बिल्कुल अपनाना नहीं चाहता, उन्हां दे नेड़े लगना नहीं चाहता, ता करके उन्हां दी विदाई के लिए असी जिहड़ा पार्टी करी है। जी क्यों इन्नी नाराजगी हैगी हलका विधायक दे खिलाफ? तुसी दस रहे हो कि असी खुशी मनाई है उन्हां दे हारन ते, इन्नी कि मतलब नाराजगी हैगी? संदीप जी गल इवें है, बाबा साहब अंबेडकर जड़े है वो साडे कल्ले रहबर नहीं है, वो साडे बाप भी हैं, साडे जड़े परमात्मा भी हैं। तो गल इवें है उन्होंने सपुत्र वालों एक निजी चैनल पर बयान दिता जाता है कि उन्होंने पता है कि दोषी कौन है बेअदबी करने वाले, तो भी MLA साहब बिल्कुल गुम बैठे रहे, सुन बैठे रहे, समाज रोंदा रहे, पिटदा रहे, प्रशासन नाल साडी मीटिंगां चलदियां रहियां, मगर उन्होंने मूँह तो एक अल्फाज नहीं निकलिया। साडी नाराजगी बिल्कुल उन्होंने गड के सीगी, इलैक्शन तो पहला तुसी आप भी देखिया सोशल मीडिया से भी अखबारों के विच भी, मैं एक जनतक अपील भी करी सी कि हरदयाल सिंह कंबोज नूं वोटां ना पाण, जिहदा मैनूं कई जगह इन्होंने सोशल मीडिया से कोई फेक आइडिया तो भी इन्होंने कमेंट कराए कि तुसी तां कल्ले हो जी, क्या कर लोगे, थोड़े जिहड़े समाज के दिग्गज लीडर हैं वो साडे नाल हैं। मगर मैं दसना चाहता कि आए जिहड़े इलैक्शन था ये दिग्गजा नूं घेरन दा इलैक्शन ही सीगा, जिथे पंजाब च बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां दे दिग्गज गिरे हैं, राजपुरे दे विच जिहड़े अपने आप नूं संभू जिहड़े अपने आप नूं मन्नी बैठे सी असीं बहुत तगड़े समाज दे लीडर हैं वह भी गिरे हैं। समाज ने मेरी अपील मानते हुए उन्होंने जिहड़ी हरदयाल सिंह कंबोज नूं बिल्कुल वोट नहीं पाई, तो मैं वह समाज का
बाबा साहब अंबेडकर नूं आस्था रखण वालों का भी बहुत दिलों धन्यवाद करदा जी, क्योंकि तुसीं गल कर रहे हो बाबा साहब अंबेडकर दे नाल मूर्ति दे नाल छेड़छाड़ की शरारती अंसर ने तो वह पकड़े नहीं गया। अज मैडम नीना मित्तल दी इंटरव्यू करन दा मौका मिलिया विधायक बनने तो बाद, यह गल मैं भी उन्होंने पूछी, उन्होंने कहा जल्द, उन्होंने भी यही कहा कि जल्द जिहड़ा है दोषी जिहड़े हैं सलाखां दे अंदर होणगे। तो मेरे हिसाब नाल कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। मैं कैमरामैन नूं कहांगा एक बार चौक दिखाणगे, चौक देख लो तुसीं सुखी जी, चौक तुसीं देखो कितनी रौनक है उरे, ये सरदार हरदयाल सिंह कंबोज की देन है। फिर किस तरह इन्नी नाराजगी है कि विकास पुरश का विकास पुरश ही है भी जिन्होंने शहर में इन्ना सोहना बनाया, क्यों इन्नी नाराजगी जाहिर कर रहे हो, आतिशबाजी तक तुसीं चला रहे हो उन्होंने जान नाल? संदीप जी गल इवें है, जेडे साडे रहबर साडे बाबा साहब अंबेडकर है, जब उस चौंक नूं यूनीलिवर चौंक वालों स्थापित करने की कोशिशें की गई, इस सड़क नूं बार बार इत्थे दे विधायक साहब वालों यह कहा गया मैं सिंगापुर बनाऊंगा, अगर उन्होंने दिल च बाबा साहब लई प्यार हुंदा वह कहिंदे मैं इस चौंक नूं अंबेडकर चौंक बनाऊंगा, मैं शहर नूं अंबेडकर पुर बनाऊंगा, मगर वह सिंगापुर की तर्ज ते चले गए। क्यों? सिंगापुर भी दड़े सट्टे चलते हैं, सिंगापुर भी जिस फरोशी होंगी है, गल तो उन्होंने ठीक थी, वो सानू बिल्कुल साफ इंडीकेशन दे रहे थे कि मैं राजपुरे जिसम फरोशी तो सट्टा बाजार जोड़ा वो कराऊंगा, मगर असी लोग नहीं समझ रहे थे। बिल्कुल मेरी नाराजगी उन्होंने गड के है, हूँ भी है, इलैक्शन तो पहला भी सी तो अंत समय तक भी रहेगी। उन्होंने वालों जोड़ा इतने जोड़े प्रशासनिक अधिकारियों जो अनऑफिशियल मीटिंगा होंदिया सगिया वह भी सानू ये गल कहते कि बंदे तो असी दो घंटे फड़ लें, मगर सानू कितने ना कितने राजनीतिक प्रेशर है साढ़े से। तुसीं नाराजगी जाहिर कर रहे हो, तुहाडे साथियों वालों साथ देने का वादा किया गया सीगा, साथ दिता भी गया उन्होंने वालों, तो उन्होंने बारे की विचार है अपने? संदीप जी मैं उही गल कह रहा जिहड़े इलैक्शन से यह दिग्गजां नूं शीशा दिखाने वाले इलैक्शन से जिहड़े दिग्गज कहिंदे सी ना कि पब्लिक है जिहड़ी जिथे असीं कहांगे उत्थे गुमराह हो जाएगी, ये दिग्गजां नूं गेरन वाले इलैक्शन सीगे। राजपुरे विच भी मैं तुहानूं इक गल दसना चाहांगा, एक इत्थे बाइट लगी सीगी, एक समाज का जिहड़ा स्वयंभू लीडर बनता अपने आप च, उन्हें कहा सीगा कि देखो जी मेरे नाल पूरा वाल्मीकि समाज आया हरदयाल सिंह कंबोज दे नाल, अज मैं पूछना चाहांगा फिर हरदयाल सिंह कंबोज नूं वोटां क्यों नहीं पईआं? अगर वाल्मीकि समाज जिहदी आबादी 30% 35% है तो क्यों नहीं पई? क्योंकि जिहड़ा समाज है वह बाबा साहब अंबेडकर नूं प्यार करता है, वह मेरे वर्गे लीडरां नूं प्यार नहीं करता। जिहड़े लोग सिर्फ अपने बच्चों नूं नौकरी लवाउण लई, अपने परिवार को जाली सर्टिफिकेट दे के नौकरियां लवाउण लई, दारू के काम करने लई जिहड़े प्रधान मानते हैं, समाज के लीडर होने चाहिए जिहड़े समाज के हकों की लड़ाई लड़े। नाराजगी चलती रहेगी, मैडम नीना मित्तल दे आन की कितनी खुशी है, तो क्या मैडम नीना मित्तल आने वाले दिनों इंसाफ दिवा पाएंगे? संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद है थोड़ा, तुसी हर मंच से जिहड़ी साडी आवाज़ चक्की है तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अपने फेसबुक आईडी तो भी पोस्ट पाई सी मैडम नीना मित्तल की, जिहड़े हर एक जिथे भी रोश मुजहरा हुंदा सी बाबा साहब अंबेडकर की बेअदबी की गल करते हैं, सानू पूरी उम्मीद है साड़ी भैन सानू इस गल ते इंसाफ दवाएगी। अज ही मेरी भैन नाल गल हुई सी तो उन्होंने यही गल कही सी सुखी जी तुसी हुण घबरो ना, दिल ना छड्डो, बड़ी जल्दी आने वाले समय में बाबा साहब की बेअदबी करने वाले नू है जिहड़े असी सलाखां दे पिछे गिरांगे। सो ये सुखी जी आप गलबात करते रहेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है वड्डे बहुमत के नाल, मैं तुम्हें दिखावगा नवी स्टोरी तुम्हें एक पेश करा, आप कांग्रेस के बोर्ड उतर चुके हैं तो देखो तुम जिते आप निगाह मारी उ मैडम नीना मित्तल के बहुत बधाइया के बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल तुम संदीप चौधरी दो जब आप होर मिलेंगे नवी स्टोरी के नाल, हूँ देखना होगा कि आने वाले दिनों के आम आदमी पार्टी तो बाबा साहब अंबेडकर की जो बेअदबी हुई थी उन्होंने दोषी कद फड़ाया जाता है। कैमरामैन मोहित के नाल संदीप चौधरी, न्यूज़ 18 पंजाब।